दोस्तों, पिछले एक एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हम हमारे गले में से अलग अलग वोकल टेक्सचर्स या फिर वोकल रजिस्टर्स निकाल सकते हैं। अब हमारे चाहते हुए अगर ये वोकल टेक्सचर्स हमारे गले में से निकल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर हमारे ना चाहते हुए अगर ये वोकल टेक्सचर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। इस गड़बड़ को हम कहते हैं वोकल डिफेक्ट्स या फिर वोकल होर्सनेस। देखा जाए तो वोकल होर्सनेस जो है वो दो किस्म की होती है। एक तो है हस्की होर्सनेस, जहाँ पे आपकी आवाज़ कुछ ऐसी सुनाई देती है जिसमें हवा का प्रमाण जो है, हवा की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है कि आवाज़ पैदा करते वक्त जब आपकी वोकल फोल्ड्स एक दूसरे के करीब आते हैं तब उनके बीच एक गैप सा रह जाता है और इस गैप में से अनवांटेड एक्स्ट्रा हवा निकलती रहती है, जिससे कि आपकी आवाज़ को एक एरी टेक्सचर मिलता है। दूसरे किस्म की वोकल होर्सनेस है रफ होर्सनेस, या फिर वो होर्सनेस जब आपकी आवाज़ बहुत ही रफ या खरदुली सी सुनाई देती है, जैसे कि ऐसे ये होता है आपके वॉइस का टेक्सचर बहुत ही रफ। इसमें क्या होता है, आपके वोकल फोल्ड्स जो है वो बहुत ही ढीले पड़ जाते हैं या फिर बहुत ही लूज हो जाते हैं, जिससे कि जब हवा इनमें से गुजरती है तब इररेगुलर वाइब्रेशंस पैदा होते हैं और उससे एक खरदुली सी आवाज़, एक रफ किस्म की आवाज़ पैदा होती है। अब वोकल होर्सनेस होने की क्या वजह है? सबसे पहली वजह है आवाज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, गले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। कुछ लोग होते हैं मेरी तरह जिनके वोकल फोल्ड्स जो हैं काफ़ी नाजुक होते हैं, और जब हम बहुत ही ज़्यादा बात करते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा गाते हैं, चिल्लाते हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में बात करते हैं या बहुत हाई पिच में गाते हैं, तब क्या है, हमारे वोकल फोल्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो टीचर्स नोड्यूल या फिर सिंगर्स नोड्यूल करके एक कंडीशन है जहाँ पे वोकल फोल्ड्स पे एक सख्त परत जम जाती है, जिससे कि परमानेंट डैमेज, परमानेंट होर्सनेस होने की संभावना होती है। वोकल होर्सनेस होने की दूसरी वजह है आवाज़ का बहुत कम इस्तेमाल करना। क्या है कि जब आप अपनी आवाज़ का ना के बराबर इस्तेमाल करते हो तो ये वोकल फोल्ड्स के जो मसल्स है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं या फिर मुरझा जाते हैं। इसे हम कहते हैं मसल अट्रॉफी। मसल अट्रॉफी से वोकल होर्सनेस होना ये थोड़ा रेयर है, पर इसकी संभावना है। वोकल होर्सनेस की तीसरी वजह है एलर्जीज और इन्फेक्शंस। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिनको एलर्जीज होती रहती हैं या फिर जो छींकते रहते हैं, खांसते रहते हैं, और जिनको इन्फेक्शन होता है गले में, गले के इन्फेक्शन को जो वोकल फोल्ड्स पे होता है उनको कहते हैं लैरिंजाइटिस। जिन्हें लैरिंजाइटिस हो जाता है या फिर वोकल फोल्ड्स में इन्फेक्शन हो जाता है, उनके वोकल फोल्ड्स जो है वो सूज जाते हैं और इसकी वजह से वोकल होर्सनेस पैदा होना बहुत ही जायज़ है। वोकल होर्सनेस होने की चौथी वजह है टॉक्सिन्स और धुएँ को इन्हेल करना। कुछ लोग होते हैं जिन्हें धूम्रपान या स्मोकिंग करने की आदत होती है, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो एक ऐसे माहौल में रहते हैं जिसमें हवा में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स या फिर धुआँ या पल्यूशन होता है जिन्हें वो इन्हेल कर लेते हैं। टॉक्सिन्स और केमिकल्स इन्हेल कर लेने से वो जो है हमारे वोकल फोल्ड्स पे से गुजरते हैं और उन पर चिपक जाते हैं। चिपकने पर उनका रिएक्शन होने लगता है वोकल फोल्ड से, जिससे कि वोकल होर्सनेस पैदा हो सकती है। वोकल होर्सनेस होने की पांचवी वजह है एसिडिटी या फिर एसिड रिफ्लक्स। अब एसिडिटी और वोकल होर्सनेस के संबंध के बारे में जो डॉक्टर्स हैं और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी अलग अलग राय है। कुछ डॉक्टर्स मानते हैं कि एसिडिटी का आवाज़ पर असर पड़ सकता है। कुछ अदर डॉक्टर्स हैं, कुछ दूसरे डॉक्टर्स और प्रैक्टिशनर्स हैं, वो मानते हैं कि एसिडिटी और अपने वोकल फोल्ड्स का डायरेक्ट संबंध ना होने के कारण आवाज़ पे उसका असर नहीं पड़ता। गले में खराश होने की छठवीं वजह है साइकोलॉजिकल वजह। क्या है कि हम सिंगर्स जो हैं वो अक्सर बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाते हैं, हम पे बहुत प्रेशर होता है या फिर हमारी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, टेंशन होता है,
जिसकी वजह से हम परफॉर्म करते वक्त हमारी आवाज़ के मसल्स को बहुत खींच लेते हैं, उस पर बहुत ही स्ट्रेन आ जाता है। ये हमको तभी समझ में नहीं आता जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब हमारी बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो जाती है तब ये स्ट्रेन जो है ये हमको समझ में आता है और महसूस होने लगता है और वोकल डिफेक्ट्स इससे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे कि हमारे वोकल फोल्ड्स की हेल्थ है वो बनी रहे और हम खुद को वोकल डिफेक्ट्स और वोकल होर्सनेस से बचा पाए? पहली बात तो ये है कि आवाज़ पैदा करते वक्त अगर आपको वोकल फोल्ड्स पे थकावट महसूस हो रही है तो जान लीजिए कि आपको अपने वोकल फोल्ड्स को रेस्ट देना पड़ेगा। इसका ये मतलब है कि आपको बात नहीं करनी, गाना तो बिल्कुल नहीं गाना और ज़ोर से हंसना भी नहीं है, और हो सके तो हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को भी उतना ही रेस्ट आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जितना हो सके आपको खुद को हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा, यानी पानी पीना पड़ेगा। हमारे वोकल फोल्ड्स के ऊपर एक म्यूकोसा का लेयर होता है। ये लेयर जो है, जो म्यूकस है, अगर आप कम पानी पीते हो तो ये म्यूकस का लेयर बहुत ही थिक और स्टिकी होता है, जिससे आपको बात करने में तकलीफ होगी। जब आप खुद को हाइड्रेटेड रखेंगे या फिर अच्छे अमाउंट में पानी पिएंगे तो यही जो लेयर है म्यूकोसा का वो पतला हो जाएगा और आपके वोकल फोल्ड्स को एक लुब्रिकेंट मिल जाएगा जिससे आवाज़ निकालने में आपको तकलीफ़ नहीं होगी। तीसरी चीज़ ये है आपको ध्यान में रखनी है कि अगर बहुत दिनों से आपकी आवाज़ बैठी हुई है और वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है तो आपको एक डॉक्टर को आपकी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी, एक डॉक्टर को विज़िट देना पड़ेगा, ENT स्पेशलिस्ट जिसे हम कहते हैं उनके पास जाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है तो आप एक साइकोथेरेपिस्ट को जाके कंसल्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, इस एपिसोड को हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इन वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।